दिल्ली विश्वविद्यालय ने एलएलबी पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद में ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने उन्हें बताया है कि यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इनमें किसी भी ग्रंथ के विवादास्पद हिस्से को शामिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी की कोर्स की संपर्क में आई है, उसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी की कल एक मैंने मीडिया में सूचना देखा, बड़े फार्मली और कैटेगरिकली उनको कहते हैं कि कुछ प्रपोजल आया था कुछ चैप्टर में इंक्लूजन के लिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को हानि पहुंचाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ भी काम नहीं करने वाला है, सरकार उसको एंडोर्स नहीं करेगा। हमारी सबसे प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को बरकरार रखना, जो अभी इस सरकार की एक प्रायोरिटी विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक दायित्व में है तब तक संविधान के ऊपर एक भी कोई आंच आने नहीं देंगे और उस स्पिरिट एंड लेटर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। कल उस प्रस्ताव को दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी के सामने जब लाया गया उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। आज एकेडमी इनफैक्ट आज ही एकेडमिक काउंसिल बैठने वाला है, वो एजेंडा में ही नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी पाठ्यक्रमों में मनुस्मृति को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था।